मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो हम कर रहे थे संधि के बारे में, ठीक है। संधि में हमने स्वर संधि हमने शुरू की है और स्वर संधि का हम जो पार्ट ये थ्री कर रहे हैं। इससे पहले आज हमने जो शुरू किया है वो है उ जमा उ, यानी कि पहले इससे पहले हम अ की जो संधि थी अ जमा आ वो हम कर चुके थे। उसके बाद हमने ई का किया था। आज हमारा अंतिम पार्ट है इसका उ जमा उ किसके बराबर होता है, उ के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटा उ जमा छोटा उ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो उ बड़े उ के यानी कि दीर्घ हो जाता है। उन दोनों की अगर ध्वनि आपस में मिल जाती है तो वो दीर्घ बन जाती है, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। ऐसे ही इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दोनों थे वो उ की आवाज थी, यहां पर क्या है उ जमा उ, तो क्या हो जाएगा इसका धीरक उ यानी के उ हो जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको जैसे कि बड़े बड़ा उ यानी कि बड़े उ की मात्रा बन जाएगी। इसी प्रकार यहां पर है इसका बिल्कुल विपरीत, ठीक है, बड़ा उ और छोटा उ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़े उ की आवाज यानी कि धीरक उ बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि बड़ा उ और बड़ा उ यानी कि उ जमा उ किसके बराबर होता है, उ के बराबर। यानी कि चारों में देखें, हम अगर चारों को देखें तो चारों के चार यानी कि दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि पड़ा है, ठीक है। तो इनका उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा है सु जमा उक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम जो सु शब्द है हमारा, उसमें जो मात्रा है वो किसकी है, छोटे उ की मात्रा। और आगे भी उक्ति में जो पहला वर्ण है वो क्या है, छोटा उ, तो हमारा नियम यही चलेगा, देखें दीर्घ उ इसको बना देंगे। तो कैसे लिखेंगे, सु जमा उक्ति स, और यहां पर छोटे उ की मात्रा है, अब किसमें बदल जाएंगे, बड़े उ की मात्रा में, ठीक है। और यहाँ पर जो उ है ये यहाँ से इसका, क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर ही क्या बन जाते हैं, बड़े उ की मात्रा बन जाते हैं, ठीक है। तो सु और आगे ती, सु ती, ठीक है, यहाँ पर बड़े उ की मात्रा बन जाएगी। क्लियर है इतना। आगे देख लेते हैं दूसरा नियम, लघु जमा और भी। अब यहाँ पर देखेंगे वही उ की जो मात्रा है छोटे उ की मात्रा है, यहां पर आगे इसकी क्या है, बड़ा उ और मे, तो नियम चलेगा वही छोटा उ जमा बड़ा उ इसका हो जाएगा दीर्घ उ के। तो कैसे लिखेंगे इसको, लघु और यहां पर जो मात्रा इसकी बड़े उ की मात्रा बन जाएगी, और यहां से ये उ जो है दोनों के मिलके बड़े उ की मात्रा और आगे अर्मे लघु में। क्लियर है। इसके बाद लेते हैं भू जमा उत्सर्ग। अब भू के अंदर पहले ही बड़े उ की मात्रा दी गई है, यहाँ पर ये नहीं देखे, बड़ा उ जमा छोटा उ मिलकर क्या बन जाता है, बड़े उ की आवाज बन जाती है। तो यहाँ पर भू, ठीक है, और उ हमारा यहाँ से कट जाएगा, तो शब्द बन गया हमारा भूत्सर्ग। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट कर लेते हैं भू जमा ऊर्जा। अब यहाँ पर देखें ये लास्ट जो हमारा नियम है, बड़ा उ और बड़ा उ मिलकर क्या बनना है, दीर्घ उ ही बनना है, यानी कि बड़े उ की मात्रा बन जाएगी। तो वो पहले ही दे रखी है तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर उ बट जाएगा और ये हमारा जो शब्द बन गया गुरुजा, ठीक है। तो ये है हमारा दीर्घ संधि का अंतिम पाठ, ठीक है। कल हम मिलते हैं नई वीडियो में नए पाठ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।